नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट्स को देखेंगे, टुडे ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी अपडेट से। और दोस्तों अब आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल कि दोस्तों ऑर्डर पब्लिश डेट क्या होने वाली। जी हाँ दोस्तों, किस दिन ऑर्डर को जारी किया जाएगा और दोस्तों किस दिन आपको पता चलेगा कि फाइनल कट ऑफ आपकी क्या होगी, 40-45 या 60-65। तो दोस्तों इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस बार जो 69,000 शिक्षक भर्ती का डबल बेंच में मामला रिजर्व हुआ है, उसको जारी होने में कितना समय लगेगा। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा सवाल हमारा होगा, वो कब जारी होगा रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, वो कब होगा और संशोधित उत्तरमाला में कितने नंबर पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके मन में एक सवाल उठता होगा, जो संशोधित उत्तरमाला जारी होगी रिवाइज आंसर की, उसमें कितने नंबर बढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल होगा कि सुनवाई के बाद किसका पक्ष ज्यादा मजबूत है। जी हाँ दोस्तों, 40-45 टीम या 60 या 65। ठीक है, तो सारे दोस्तों आपके जितने भी सवाल हैं उसके आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और अंतिम सवाल होगा दोस्तों, क्या सरकार लेगी बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल इसलिए यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि अगर मान लेते दोस्तों 40-45 के पक्ष में फैसला आता, तो क्या सरकार फिर से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का रुख लेगी, या 60 और 65 टीम की तरफ से दोस्तों फैसला आता है, मतलब 60-65 की जीत होती है, तो क्या सरकार अंतरिम राहत पर नौकरी देगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय यहाँ दो सवाल खड़े होते हैं। अब सरकार का क्या होगा फैसला, वो देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों पहले आज खुशी का दिन है कि कम से कम जो एक साल से दोस्तों जिसमें अधिक समय लग चुका है, आज उसका ऑर्डर रिजर्व हुआ है, एक खुशी का दिन है। एक और बात दोस्तों बताना चाहेंगे, अगर जज साहब ने जो लास्ट टाइम में सख्ती दिखाई थी कि भाई बात होगी तो पॉइंट टू पॉइंट होगी, अगर यही जज साहब ने थोड़ा पहले सख्ती दिखाई होती तो दोस्तों इसका मामला कब का रिजर्व हो चुका होता। लेकिन चलिए ठीक है, देर ही भला दोस्तों, लेकिन होता है ना कि देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, सबसे पहले उसका आंसर किया जाना चाहिए कि संशोधित उत्तरमाला में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। देखिए अभी आपने देखा होगा यूपी टेट 2019 की जो संशोधित उत्तरमाला या फाइनल आंसर किया है, उसमें दोस्तों पेपर वन में आपके दो विकल्पों पर चेंज किया गया, पेपर टू में एक नंबर, ठीक है, कॉमन दिया गया। तो अगर सुपर टेट का भी दोस्तों कुछ ऐसा होगा तो ज्यादा नंबर आप बढ़ने की उम्मीद नहीं लगा सकते, मैक्सिमम 2 से 5 नंबर। जी हाँ दोस्तों, उससे ऊपर उम्मीद नहीं लगाना है कि अगर आप 10 नंबर फेल हो रहे हैं, 12 नंबर हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। काफी बच्चों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या 70 से आपके 90 नंबर हो सकते हैं, या दोस्तों अगर आपके 80 नंबर बन रहे हैं या 278 आ रहे हैं आपके, क्या 78 से 90 नंबर पहुंचा जा सकता है, या दोस्तों 97 नंबर के लिए आपको पता होगा कि अगर आप 85 पर आ रहे हैं, क्या 85 नंबर बढ़कर 97 हो सकता है। ये सब आपके सवाल है। तो इतने नंबर कभी नहीं बढ़ते हैं, मैक्सिमम दोस्तों जो आपके रिवाइज आंसर की में चेंजेस आ सकते हैं वो 2 से लेकर 5 नंबर तक हो सकते हैं। अधिक से अधिक की हम बात कर रहे हैं, कम से कम दोस्तों 1 या 2 नंबर भी हो सकता है, और अधिक से अधिक दोस्तों 2 से 5 नंबर, उससे ऊपर नहीं हो सकता अगर 90 और 97 की जीत होती है तो। अब देखिए दोस्तों, सुनवाई के बाद किसका पक्ष है मजबूत। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अब तक डबल बेंच में जितनी भी सुनवाई हुई दोस्तों, उसका लिंक अभी हम आपको कमेंट बॉक्स में दे दे रहे हैं, आप वहां पर दोस्तों जाइए, हर एक कोर्ट अपडेट्स को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर में सुनवाई क्या हुई, नवंबर में क्या हुई, दिसंबर में क्या हुई, जनवरी में क्या हुई, फरवरी में क्या हुई, सारी दोस्तों वहां पर अपडेट्स हैं, एक बार आप उसको खुद जाके एनालाइज कर सकते हैं। अभी दोस्तों 1 महीने का कम से कम आपको समय मिलेगा ऑर्डर पब्लिश होने में, तो आप एक बार जाकर उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद दोस्तों आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि आखिर इस समय अब किसकी जीत होने वाली है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बस यही सवाल होगा आपका, फाइनल कटाप पर क्या लेगी सरकार फैसला। दोस्तों ये बड़ी बात होगी कि फाइनल कटाप, जी हाँ दोस्तों अंतिम कटाप। अब देखिए सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर 40-45 की जीत होती तो क्या सरकार नौकरी देगी, कि दोस्तों फिर से वही सुप्रीम कोर्ट का मैटर होगा, या 60-65 की जीत होती तो दोस्तों क्या सरकार अंतरिम राहत देकर नौकरी दे सकती है, क्योंकि 40-45 टीम इससे हो रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि स्टे लगता है या नहीं इस वैकेंसी में। तो वैसे भी दोस्तों मामला काफी ज्यादा लंबे समय से कोर्ट में चल चुका है। अब देखिए अप्रैल में नियुक्ति पत्र दोस्तों मिलना लगभग श्योर है, ठीक है ना, कि किसी के भी दोस्तों पक्ष में मतलब फैसला है, उम्मीद है कि इस बार नौकरी मिलेगी, इस बार दोस्तों सरकार ऐसा नहीं करेगी जैसा कि लास्ट टाइम आपने देखा था। जो भी होगा दोस्तों, कोई भी फैसला है, सरकार नौकरी देगी। जी हाँ दोस्तों, छात्र काफी परेशान है, 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, पेपर 6 जनवरी 2019 को हुआ था। तो फिलहाल दोस्तों आपके जो सवाल आ रहे थे उसको आंसर हम पहले एक एक करके देखते हैं। ऑर्डर पब्लिश होने की जो दोस्तों तारीख हो सकती है, आज 3 मार्च है दोस्तों, तो कम से कम जो भी दोस्तों डेट आएगी वो 3 अप्रैल के बाद होगी। जी हाँ,
एक महीने का समय कम से कम आपको देना पड़ेगा, उससे पहले ऑर्डर जारी नहीं हो पाएगा। अगर पहले 200 जारी होगा तो उसकी अपडेट्स भी हम आपको देंगे। तो कम से कम दोस्तों अभी आप 3 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक आप उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो दूसरा सवाल था कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी, 40-45 या 60-65। देखिए दोस्तों इसका जो हम आंसर है इसको हम लोग जज साहब पर छोड़ते हैं कि जो अंतिम फैसला होगा वो जज साहब का होगा। देखिए आपको दोस्तों इसको एनालाइज करना है, तो हमने जैसा आपको बोला कि सारी हमने दोस्तों अभी तक जितनी भी सुनवाइयां हुई है उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में आपको दे रखा है, तो सारी सुनवाइयां दोस्तों आप जाकर देख सकते हैं कि 40-45 टीम में क्या आपने सबमिशन दिए, 60-65 टीम में आपने क्या सबमिशन दिए, तो उसको आप पढ़ के एनालाइज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आपके सवाल आते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों गेस करने के लिए आप लोग एक चीज आपको बता दें कि इस बार जो 60-65 टीम की सुनवाइयां हुई वो काफी अच्छी रही। जी हाँ दोस्तों 60-65 टीम ने जो सबमिशन दिया वो दोस्तों काफी जोरदार बहस रही। आप 40-45 की बात करें तो देखिए 40-45 की जो शुरुआत हुई थी वो काफी अच्छी नहीं हुई थी इस बार डबल बेंच में, लेकिन हाँ लास्ट टाइम दोस्तों आपने देखा होगा मिश्रा सर ने भी 40-45 टीम का जो रुख था वो काफी हद तक ठीक ठाक कर दिया। तो मतलब जो भी फैसला है वन साइडेड नहीं आने वाला दोस्तों, आज आप कोई भी गेस नहीं करके ये बता नहीं सकता एक तरफा कि हाँ 60-65 की जीत होगी या 40-45 की, तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। सिंगल बेंच का फैसला दोस्तों 40-45 टीम के साथ है, ये बात भी सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सिंगल बेंच में जो जीता था दोस्तों वो 40 और 45 टीम थी। अब 60-65 टीम का दोस्तों देखने वाली बात होगी कि डबल बेंच में क्या ये कुछ बदलाव कर पाते हैं या नहीं। तो अब दोस्तों देखने वाली बात होगी जितनी भी आज तक सुनवाइयां हुई उसमें क्या दोस्तों बदलाव आता है, तो वेट एंड वॉच करेंगे। उसके बाद सरकार क्या लेगी फैसला, जी हाँ दोस्तों इस बार डेफिनेटली सरकार को फैसला लेना चाहिए। ठीक है सभी छात्रों की यही डिमांड है कि कट ऑफ इस बार कुछ भी हो लेकिन नौकरी मिलनी चाहिए। काफी ज्यादा लंबा समय दोस्तों यहाँ बीत चुका है, उम्मीद करेंगे दोस्तों कि इस बार सरकार एक बड़ा फैसला लेगी। उसके बाद संशोधित उत्तर माला में 2 से 5 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम बता रहे हैं कम से कम दोस्तों 0 से लेकर 2 नंबर तक बढ़ सकते हैं। कब जारी होगा रिजल्ट, जैसे दोस्तों आपका ऑर्डर पब्लिश होगा उसके बाद दोस्तों रिजल्ट जारी करने का आदेश पीएनपी को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों जब तक ऑर्डर पब्लिश नहीं होगा उससे पहले रिजल्ट जारी होना फिलहाल पॉसिबल नहीं है, तो ऑर्डर पब्लिश होने के बाद ही रिजल्ट जारी हो सकता है, और रिजल्ट जारी होने से पहले संशोधित उत्तर माला जारी की जाएगी, उसके बाद ही रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। एक और सवाल आता है 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, अब दोस्तों क्या करना चाहिए आपको, बस अभी आप तो एक ही आपके पास विकल्प है वेट एंड वॉच। ठीक है इंतजार करिए दोस्तों और देखते हैं कि क्या होता है, फैसला कब तक आता है। अब बस ये दोस्तों रहेगा कि अब मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक ना जाए, जो दोस्तों डबल बेंच में फाइनल हो जाए, और हो सकता है कि मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो यहाँ एक बात देखने वाली होगी कि यहाँ पर शिक्षक भर्ती में स्टे मिलता है या नहीं, और दोस्तों जो स्टे के चांसेस होंगे वो काफी कम होने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों इतना ज्यादा यहाँ पर डिले हो चुका है, अब तो डिले करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। तो ठीक है दोस्तों और भी जो आपके जवाब और कमेंट्स दोस्तों जो होते रहेंगे उसके हम आपको रिप्लाई करते रहेंगे, फिलहाल अभी आपको वेट एंड वॉच करना है। अब वीडियो के अंत में दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमारा सेफ जोन क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों सेफ जोन कहिए या सेफ गुड़ांग कहिए सभी के अपने अपने सवाल होते हैं, किसी का सेफ जोन करके आता है किसी का सेफ गुड़ांग को लेकर आता है। तो दोस्तों आपको एक नॉर्मल व्यू देते रहे, अगर जनरल कैटेगरी के दोस्तों अगर आप छात्र हैं तो आपको कम से कम पास होने के लिए 70 अंक का गुड़ांग चाहिए होगा। जी हाँ दोस्तों 70 अंक का गुड़ांग, देखिए नौकरी पाना इतना आसान नहीं होने वाला। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, एससी कैटेगरी के छात्र हैं, एसटी कैटेगरी के छात्र हैं, देखिए दोस्तों ओबीसी में आपको कम से कम 65 अंक, एससी में आपको 60 अंक, और दोस्तों एसटी में 55 अंक का गुणांक जरूरी है। ठीक है और दोस्तों देखिए जनरल कैटेगरी में जो गुणांक आप 70 देख रहे हैं, 70 तो दोस्तों मैक्सिमम नहीं है, ये आपका दोस्तों ये एवरेज रहने वाला। हो सकता है दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी में अगर आपके 65 अंक 60 अंक 65 हो या 270 हो, देखिए नौकरी तो 60 पर भी मिल सकती है, लेकिन दोस्तों होगा ना कि कुछ ऐसे जिले हो सकते हैं जहां पर कोई छात्र नौकरी ना करना चाहे तो वहां पर जो गुणांक कम से कम 60 अंक का भी आ सकता है, लेकिन इस समय आपको पता है कि बेरोजगारी कालम कुछ ऐसा है कि नौकरी कहीं पर भी मिल जाए छात्र नौकरी करने को तैयार है। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि जो 40-45 अगर कट ऑफ की जीत होती है तो उसमें जो मिनिमम गुणांक होगा नौकरी पाने वाले छात्रों का वो कितना होगा। ठीक है देखिए अगर 60-65 की जीत होती इसको आप समझ लीजिए, अगर 90-97 या 60 और 65 दोस्तों अंक का गुणांक जीत होती तो बस आपको इतना समझना है 60-65 कट ऑफ में कि अगर आप पासिंग मार्क भी 200 नंबर ले आते हैं, जी हाँ दोस्तों अगर आप 90 नंबर या 97 नंबर को दोस्तों टच कर जाते हैं तो आपको नौकरी मिलना लगभग काफी हद तक दोस्तों क्लियर हो जाएगा कि आपको नौकरी मिल जाएगी। तो अन्य कैटेगरी में दोस्तों आपको जैसे ओबीसी एससी एसटी में 65 या 65 से अधिक नंबर ले आते दोस्तों काफी हद तक आपका कंफर्म हो जाएगा कि आप नौकरी पाने वाले हैं,
लेकिन दोस्तों जनरल कैटेगरी में हमें जैसे आपको बताया कम से कम 70 अंक का गुणांक चाहिए होगा, 70 से कम पर भी नौकरी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि किस्मत, और वो होना चाहिए दोस्तों कि काफी छात्र कुछ ऐसे जिले होंगे दोस्तों जहां दूर पड़ता है, सोनभद्र हो गया जैसे, वहां नौकरी करने अगर ना जाना चाहे तो वहां आपको नौकरी मिल सकती है। ठीक है, बाकी अपडेट के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों जो इसका ऑर्डर रिजर्व हुआ है, जैसे इसका ऑर्डर पब्लिश होगा सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल आपको सारी अपडेट्स देगा। और दोस्तों सरकार देखते हैं क्या बड़ा फैसला लेती है। और दोस्तों जो इसका ऑर्डर जारी होने की जो तिथि आ रही है वो दोस्तों नेक्स्ट मंथ में 3 अप्रैल के बाद दोस्तों इसका ऑर्डर जारी किया जा सकता है, तो वेट करेंगे 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक या हो सकता है दोस्तों कभी कभी इसकी तारीखें आगे पीछे हो सकती हैं। सारी अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको दी जाती रहेंगी। तो चलिए ठीक है, कल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों उम्मीद लगा रखिए, अब बस बहुत ही दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब बहुत ही जल्दी आप लोग नियुक्ति पत्र पाने वाले। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।